हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड बॉल्स। उसके लिए हमने 3 आलू उबले हुए छील के रखे हुए हैं। ये है हमारे पास कुछ ब्रेड स्लाइसेस और ये हम यूज करने जा रहे हैं इंग्रेडिएंट्स। हमें इसके लिए कुछ पानी की भी जरूरत पड़ेगी। ये है 2 टेबल स्पून ऑयल और ये है रिफाइंड ऑयल। सो इन इंग्रेडिएंट्स वी आर गोइंग टू यूज जीरा, हमने 1 चम्मच जीरा लिया है। 1/4 चम्मच हमने हींग लिया हुआ है। 1 चिली काट के रखी हुई है हमने। थोड़ा सा स्वाद अनुसार सॉल्ट लिया है और ली है हमने मिर्च और ये है कुछ चाट मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने गैस ऑन कर ली है और हमने रखी है अपनी कढ़ाई। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस 2 टेबल स्पून ऑयल। हमें इसको बर्न करना है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं जीरा। अब हम इसमें डालेंगे अपने मैश किए हुए तीन आलू जो हमने बारीक कर दिए हैं। इसको हम चला लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च और ये है चाट मसाला। नमक जो अभी लिया हुआ है स्वाद अनुसार वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि ये सब एक में मैश हो जाए। ये हमारी आलू की फिलिंग तैयार हो चुकी है और ये हमें लिए हैं कुछ मीडियम साइज की ब्रेड। अब हम इसको भिगो देंगे। ये अच्छी तरीके से भीग चुकी है। अब हम इसको हाथ पर रख के इसको रखेंगे फिलिंग। आप अपने अकॉर्डिंग फिलिंग को भर सकती हैं, आपको ज़्यादा आलू पसंद है तो आप ज़्यादा भर सकती हैं इसमें। और इसको ऐसे बंद करके इसको बॉल बना देंगे और इससे पानी को हम निचोड़ देंगे। तो देखिए ये बॉल के शेप में तैयार हो चुकी है। ये हमारी बॉल तैयार हो गई है। अब हम इसे दूसरी बॉल भी बनाएंगे। अब हम इसको वापस से बंद कर लेंगे। देखिए गाइस, ये हमारी दूसरी बॉल भी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम ऐसे ही सारी बॉल्स अपनी बना लेंगे। गाइस हमारी ये बॉल्स तैयार हो चुकी है। हमें अपनी गैस ऑन कर ली है। अब इस कढ़ाई को रखकर हम इसमें डालते हैं 3 टेबल स्पून ऑयल जो हमारे लिए इनफ हो गए थी बॉस को तलने के लिए। अब इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। गाइस हमारा तेल तैयार हो चुका है तो इसमें हम बॉस डालते हैं। और इसको हम डार्क ब्राउन होने तक सेकेंगे। हमारी बॉल्स तैयार हो चुकी है, डार्क ब्राउन हो चुकी है। हम अपनी सर्व करेंगे टमाटो सॉस के साथ। आपको चाय पसंद है तो चाय के साथ दे सकते हैं। ऐसे ही हम बाकी की सारी बॉल्स कर लेंगे। दोस्तों तैयार है हमारी ब्रेड बॉल्स। आप इन्हें चाय के साथ, सॉस के साथ कैसे भी खा सकते हैं। यह रेसिपी बहुत ही आसान है। आप इन्हें घर में बनाइए और मजे से खाइए।